कई वर्षों से गंगू हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की पहाड़ियों के साथ सटे धर्मशाला शहर के पार्क के साथ सड़क किनारे चाय समोसे बेचता। पूरे धर्मशाला की जानकारी उसके पास होती थी। देश में क्या बदलाव अच्छा है, किस देश की क्या रणनीति होनी चाहिए, सब गंगू जानता था। भोलेनाथ की कृपा से गंगू का धंधा पानी भी ठीक ही चल रहा था। बच्चे थे नहीं और पत्नी को गुजरे 2 वर्ष हो गए थे। पूरा शहर गंगू को जानता था और गंगू शहर को। अभी कुछ दिन पहले ही अंग्रेज गंगू की टपरी पर धर्मशाला की सुंदर धौलाधर की पहाड़ियों को देखने आए थे। गंगू की अंग्रेजी सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। गंगू होशियार था, इसमें कोई संदेह नहीं, पर बेचारा बहुत सीधा था। ना जाने कौन से पहाड़ की चोटी से उतरकर धर्मशाला की सुंदर वादियों में आकर यहीं बस गया और यहीं का हो गया। सुबह का सूरज धौलाधर की वादियों से अपनी रोशनी बिखेरने लग पड़ा था और सभी दफ्तर जाने वाले सुबह की ठंड में चाय की चुस्कियां लेने गंगू की टपरी में पहुंच रहे थे। अब दुनिया का फैसला इसी टपरी पर होगा, चाय की चुस्कियों के साथ। सरकारें गिरेंगी, देश बदलेगा और चाय खत्म होते ही सब सामान्य हो जाएगा। जोरदार चिंतन होता था इस टपरी पर, देश दुनिया और समाज पर जोरदार चिंतन होगा। तभी गंगू के मित्र ग्राहक घमंडी राम भी वहां आ गया। गंगू चाय की केतली स्टोव पर रखते हुए बोला, पहाड़ों पर अधिकतर के कारण ये वादियां ये घाटियां अब बिल्डिंगों के तले खत्म हो रही है। गंगू की बातें मन में एक नशा भर देती है जो किसी भी विषय पर अपनी अलग रूहानियतें पेश करता है। घमंडी राम ने पूछ ही लिया, गंगू भाई तुम अकेले इस बियाबान जंगल में कैसे रह लेते हो? गंगू राम ने स्टोव में हवा भरते हुए कहा, कौन अकेला है, ये हवा पेड़ परिंदे पहाड़ धरती और आसमान यह तो मेरे साथ है, तो फिर मैं अकेला कैसे हुआ? गंगू रोज की बातों से कुछ नया सीखने का प्रयत्न करता था, पर हमेशा उलझन में रहता था कि लोग इतना पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। ऐसा क्या है जो बेईमानी और ठगी से मिल जाता है और ईमानदारी से नहीं? गंगू के लिए 2 वक्त की रोटी ही पर्याप्त थी, परंतु लोगों की भूख देखकर उसे भी डर लगता था। बाहर और अंदर की धांधलियों का गंगू हुआ था, जिसकी आंखें तो थी पर आवाज दूर गाड़ियों के शोर में दबी थी। समय आगे बढ़ा और कुछ समय बाद पूरे भारत में स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक बैन अभियान चल पड़ा था। गंगू बहुत खुश था। गंगू अपनी टपरी के आसपास बहुत सफाई रखता था। प्लास्टिक के थैले की जगह अब अखबार के लिफाफों का प्रयोग कर रहा था। मुश्किल तो थी पर देश उसके लिए पहले था। गंगू की टपरी पर आज हवलदार और अविनाश दोनों साथ में आए। हवलदार बोला, यार ये प्लास्टिक के लिफाफे अच्छा हुआ बंद हो गए। अविनाश ने कहा, भाई पर्यावरण बचेगा तभी हम जीवित रहेंगे। क्यों भाई गंगू, सही फैसला है ना? तुमने भी तो बंद कर दिए हैं प्लास्टिक के लिफाफे बनाना। गंगू बोला, हाँ रखना तो बंद कर दिए हैं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, थोड़ा दुविधा मिला। क्या समझ नहीं आया भाई, हमसे पूछो, डिग्रियों का इस्तेमाल करने का मौका हमें भी तो दे दो। भाई ये जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिस लिफाफों में सामान बेचती है, क्या ये कागज से बना कोई प्लास्टिक है? पानी की बोतलें किस किस चीज की है? इस तरह के पदार्थ के अगर मुझे लिफाफे मिल जाए तो क्या बात होगी, कहाँ मिलेंगे मुझे ऐसे लिफाफे? अविनाश असमंजस में पड़ गया, अब इसका क्या जवाब दे? पर फिर वो बोला, गंगू ये भी तो प्लास्टिक है। अच्छा तो ये भी बंद हो गया, खाने पीने का सामान इसमें नहीं आएगा, मैं आज ही सामान लाने वाला था, अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब नए लिफाफे में आया हुआ सामान ही खरीदूंगा। अविनाश अब समझ नहीं पा रहा था कि गंगू को क्या कहे। फिर वह बोला, नहीं नहीं सामान तो इसी प्लास्टिक में आएगा। गंगू ने फिर प्रश्न किया, पर्यावरण का जिम्मा क्या आम आदमी का ही है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो प्लास्टिक में जहर बन करके बेच रही हैं, उनका दायित्व कुछ नहीं है? गंगू ने घूरते हुए हवलदार को पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, क्यों नहीं रोकते इस दिखावे को? बुराई तभी ज्यादा फैलती है जब अच्छाई चुप रहती है। अविनाश और हवलदार चुप थे
और कहते भी क्या, गंगू की बात सही थी। आज पहली बार टपरी पर शांति समय से पहले हो गई थी। सब अपने कामों में निकल गए थे। आज से दफ्तरों में भी छुट्टियां पड़ जानी थी। कुछ दिन ये शांति बरकरार रहनी थी। शाम को जैसे ही दफ्तर बंद हुए, उससे कुछ और दिनों तक पूरी जगह में शांति पसर गई थी। एक हफ्ते के बाद हवलदार गंगू की टपरी पर आया तो अविनाश वहीं पर खड़ा था। हवलदार ने पूछा, अविनाश ये गंगू की टपरी कहाँ गई? अविनाश ने उत्तर दिया, सफाई अभियान चला था, सफाई अभियान में साफ हो गई गंगू की टपरी।